ये सदाई हरियत जम्मू कश्मीर है पेश खदमत है खसूस अपडेट गैर कानूनी तौर पर भारत के जे कब्जा अच्छा जम्मू कश्मीर में कुल ज़माती हुरियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि की मोदी की क्यादत में फसायी भारतीय हुकूमत ने मतनाज़ इलाके में आबादी का तनासब तब्दील करने की गरज ऐसी कश्मरियों को एक एक करके कत्ल करने की तवील मुद्दती पॉलिसी बना रखी है हुरियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस चेयरमैन गुला अहमद गुलजार ने मकबूजा इलाके की मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दिया है जहाँ दस लाख के करीब काबिज भारतीय फौजी लोगों के बुनियादी हकूक रोंद रहे हैं उन्होंने हक खुदरादियत के जायज मुतालबे पर कश्मीरियों के आम में मशरूफ़ अमल भारतीय मसल के सुप्रीम कमांडर यानी भारतीय सदर के दौरे कश्मीर के खिलाफ पुरमन एहतजाज के लिए हड़ताल करने आरोप हुरियत पसंद कश्मीरी आवाम का शुक्रिया अदा किया कुल जमाती हरियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के जर अहतमाम भारतीय सदर रामनाथ कोविंद के भारत के गैर कानूनी जेर तस्लत जम्मू कश्मीर के दौरे के खिलाफ पाकिस्तान के दारालकूमत इस्लाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया इस मौके पर हुरियत कायदीन ने खताब करते हुए कहा कि भारत अपनी फौज के जरिए मकबूजा इलाके में नहते कश्मीरियों पर ताकत का वैशाना इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं जबकि भारतीय जुल्म बरबरीत के नतीजे में एक लाख ऐसी जायद बेगुना कश्मीरी शहीद और लाखों ज़ख्मी हो चुके हैं और इस सूरत हाल में भारतीय सदर के मकबूजा कश्मीर के दौरे का मकसद दीरना तनाज़ कश्मीर से आलमी बरदरी की तोजा हटाना और उसे गुमराह करना है इंसानी सानी की बैन अवी तनज़ीम ह्यूमन राइट्स वॉश ने गैरक़ानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काले क़ानून पब्लिक सेफ़्टी एक्ट के तहत सैकड़ों कश्मीरी नज़रबंदों की हालत इज़ज़ज़ार का हवाला देते हुए मकबूज़ा इलाक़े में इंसानी की अबतर सूरतहाल पर तश्ी जाहिर की है खूशी अपडेट ख़त्म हुआ इस सूरत हाल में जब भारत के अंदर फाशिस्ट मोदी की हुकूमत की सरपरस्ती में अकलियतों के खिलाफ मजालम और जराय तेज हो गए हैं ऐसे में अमरीकी वजीर खारजा का दौरे भारत बहुत अहमियत का हामिल है वो यूं की अमरीकी अहदेदार के लिए लाजिम बनता है कि वो भारत के जमहूरी दावों पर सवाल करे और इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल पर अपने खदशात उठाए जैसा की इंसानी हकूक के आलमी अदारों ने बारहा भारत में अकलियतों और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जारी भारतीय मजालम और तश्वीशनाक पर रिपोर्टें भी जारी की हैं, जबकि अमरीकी मकम खारजा ने भी अपनी हालिया बी मजहबी आजादी की रिपोर्ट में भारत की तारीख तस्वीर पेश की है इस तरह भारत की सिविल सोसाइटी के, के अदारे हूँ गैर जानबदार सहाफी और कारकुन हूँ या मारूफ समाजी साइंसदान दीपा नारायण दुहाई दे रही है की मोदी हुकूमत में खुवान आरोप हमले और अकलीतों के साथ नारवा सलूक रोज का मामूल बन चुका है वही यहाँ मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज फौज ने हुकूत के मजमूम एजेंडे के तहत जुल्म और जबर लू गिरफ्तारियाँ और मावरा अदालत कत्ल के जराये में तेजी लाई है इस सूरत हाल ने जहाँ भारत के नाम नहाद स्कुलर और जमहूरी दावों को बेनकाब कर दिया है तो वही नरेंद्र मोदी का हिंदू बालादस्ती का मनसूबा भी अपनी घनावनी तस्वीर के साथ सामने आ रहा है जैसा की मोदी के इकतदार में आने के बाद भारत ऐसी लेकर मकबूजा जम्मू कश्मीर तक इंसानी हकूक की पामालियाँ तेज हो गई है इसलिए अमरीका को चाहिए की नरेंद्र मोदी को लगाम दे ताकि वो अपने गैर इंसानी एजेंडे ऐसी बाज आ जाए